हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उल्लेखनीय सेवाओं के लिए देश भर की 50 महिलाओं का सम्मान। जिस घर में पली बढ़ी उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर महिलाएं बड़ा त्याग तो करती ही हैं, साथ ही दूसरे घर को अपनाकर वे अपनी कला का परिचय भी देती हैं। कला इसलिए कि दूसरे घर में कई बार विपरीत परिस्थितियां भी आती हैं, लेकिन अपने कौशल से वो सब कुछ ठीक कर लेती हैं। ये कहना था ADSP यातायात निर्मला विश्नोई का, जो वुमेन्स पावर ऑफ सन सिटी संस्थान की ओर से सन सिटी वुमेन्स आइकॉन अवार्ड कार्यक्रम में बतौर अतिथि संबोधित कर रही थी। इस कार्यक्रम में शिक्षा, साहित्य, चिकित्सा रिपोर्ट और समाज सेवा में योगदान देने वाली 50 महिलाओं को सम्मानित किया गया। इनमें जयपुर, भोपाल, इंदौर और बीकानेर की महिलाएं भी शामिल थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के गुजरात सरकार की ब्रांड एम्बेसडर केसर प्रजापति ने कहा कि आज हर क्षेत्र में नारी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। कार्यक्रम में माहेश्वरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल सोमा चैटर्जी, एम्स में एसोसिएट प्रोफेसर अर्चना वाजपेयी भी बतौर मेहमान उपस्थित थे। संस्थान के अध्यक्ष सुधा प्रजापति ने कहा कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि संस्थान सामाजिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ कार्य करता है। कोषाध्यक्ष सोनिया घोड़ेला, सचिव शशि सोलंकी, उपाध्यक्ष गीता प्रजापत और महासचिव मीनाक्षी सोलंकी ने अतिथियों का स्वागत किया। किरण पारीक ने धन्यवाद ज्ञापन किया। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।